इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा को प्रसन्न करके मां ने क्या बढ़िया दिव्य प्रश्न किए। हथिया रहती ओछम सोर राया से ही अयोध्या नहीं गए, ले बनी गया। महारानी रूप कुंवर जी भगवान को लेकर ओरछा चली गई, वहां राम राजा सरकार है। भगत लोग जहां जैसा भाव है अपना, भगवान को बुला लेते। तो पहला प्रश्न क्या है?
निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु कैसे धारी। भोले बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण सुते अगुण रूप अरहय जोई भगत प्रेम बस विद्वान लोग गाते हैं क्या जो निर्गुण है वही सगुण है। कब? भगत प्रेम बस अगुण रूप अलग यज जो कल्पना में ले लेते हैं भगवान उसी रूप में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अगुण अरूप दिखते नहीं, दिखते हैं किसको? जो देखना चाहता है उसको। जो नहीं देखना चाहता उसको सामने रहने पर ही भगवान नहीं दिखते। भगवान श्रेष्ठतम है, हम लोग जीव हैं। जीव जितना सत्कर्मी है, पुण्यशाली है, पुण्यग्राही है, वो उतना परमात्मा के निकट है। जिसमें जितना कम विकार है वो उतना निर्विकारी परमात्मा का नैकट्य पा सकता है। मित्रों माताओं, भक्ति क्रिया नहीं है, स्थिति है। जब हम क्रियात्मक रहते हैं तो हम कर्मकांड में रहते हैं, हम भक्ति में नहीं रहते। भक्ति दर्शन है। दर्शन शास्त्र में यही परिभाषा है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। विद्वान लोग विराजे एक ही बात, एक ही सरकार, एक स्वरूप को अनेक प्रकार से दर्शन हो जाए, उस विभाग के अध्ययन का नाम है दर्शन शास्त्र। भगवान कैसे हैं अब बताइए, क्या रूप कहेंगे? कभी मछली बनते हैं, कभी वराह बनते हैं, कभी कछुआ बनते हैं, कभी हयग्रीव बनते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं, कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण हो जाते हैं। ये क्या? भगत प्रेम बस। तो कोई रूप नहीं है, रूप नहीं है, ये प्रकृति चलाते हैं कैसे? अरे साहब, उनको चलाने के लिए कुछ नहीं करना है, वो तो सोचते भी नहीं, इच्छा भी नहीं करते। साकेत में आनंद, कोई व्यक्ति नहीं चलाता, भगवान भी नहीं चलाते हैं, फिर अनुशासन चलाता है, विधि चलाती है।
अनुभव करेंगे। घर में भी इन अनुशासन का पालन हो, सब अपना अपना कर्म करते स्वतंत्र रहें, प्रजा में परिवार में। अभी मैंने आग्रह किया, आप लोगों को अन्यथा लग सकता है, लेकिन व्यवस्था है। व्यास आसन के बैठने के पहले जो जो करना है आनंद पूर्वक कर लीजिए, उसके बाद बैठ के सुनिए। व्यवस्था के लोग 12 बजे के पहले व्यवस्था करें, 3 घंटे कोई व्यवस्था नहीं, 3 घंटे हमारी टीम हिल नहीं सकती है, खड़ा रहना है। 3 घंटे बाद आप 20 घंटे जो जो करना है करो भाई, 3 घंटा न ठाकुर जी की सेवा है। जीवन में बात उतरनी चाहिए, 3 घंटे कुछ नहीं करना है, भजन करना है तो भजन करना है, आग लगेगी तो पानी 3 घंटे के बाद पड़ेगा। 3 घंटे में भगवान संभालते हैं, जीव नहीं संभालता है। 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे कुछ नहीं करना, ड्यूटी करना, ड्यूटी ब्यूटी के साथ आनंद पूर्वक, हलचल पूर्वक नहीं, एकदम शांत होकर। किसी साधक ने ये पंक्ति कही, भगवान की लीला का दर्शन करी। हाँ, क्यों बजाता है? जाओ। हाँ, इस दुनिया में सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला।
इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।